गोपी, फिर भा है, भाग्य है तो भ है, तो प फ ब भ 4, 3.14, फिर बाद में 5, 7, ऐसा 32 डिजिट तक, 32 डिजिट्स तक फाइव की वैल्यू है। आप अपने ऋषि मुनियों की प्रतिभा को केवल नमन कर सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसी रचना करके देखिए आप, नहीं हो तो नमन भी करना होगा। तो ये गोपी भाग के मधु व्रात, आपके में से कई लोग गणित के विद्यार्थी होंगे, अगर मैं उनसे पूछूं कि पाई की वैल्यू क्या है तो 3.1457, इसके आगे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इसके आगे लिख कर याद भी कर लिया, मुखोद्गत भी कर लिया, कंठस्थ भी कर लिया, तो भी कल उसका उच्चारण फिर से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो चूक कर जाएंगे, गलती हो जाएगी। परंतु जिसको गोपी भाग्य मधु व्रात शुद्ध शोधन संग कल जीवित हालाव गलहालार संदरा, ये श्लोक याद होगा तो वो सपने में भी नींद में भी उठकर पाई की 32 डिजिट तक वैल्यू बता सकेगा। यही पहला पक्ष है मेरा। दूसरा पक्ष ये है कि आज विद्यमान जो साहित्य है, उस विद्यमान गणितीय साहित्य जो है, उसमें ऐसा कौन सा ग्रंथ है या ऐसी कौन सी विधा है जो पाई की वैल्यू 32 डिजिट तक बता सके। लास्ट रेकरिंग पॉइंट, इट इज द लास्ट रेकरिंग डिजिट, 32वां डिजिट जो है। और ये 32 कैसे आया, तो महाभारत की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है, तो हर ऋचा के पहले वाक्य में 16 अक्षर होते हैं, दूसरे वाक्य में 16, तो ऐसे ये 32 है। ये एक उदाहरण बताया मैंने आपको। आप अपने जितने भी संदर्भ ग्रंथ होंगे, वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भक्तिभाव वाले हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी ऋचा को आप लेंगे और उसको ये अन्यान्य संस्कार अगर करोगे तो आपको ये विधाएं जो है, ये सारा जो सिद्धांत है, चाहे वो कालगणना का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो। अब जैसा ये कालगणना के बारे में एक बात पहले बता देता हूँ, आयुर्वेद हम जब पढ़ते थे छात्र रूप में, तो हमें ये सिखाया था कि हमारे हर गाँव में ग्रास रूट लेवल जिसको बोलते हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक ये भारतीय चित्त, भारतीय मानस और भारतीय काल कैसे गहराई में जाकर बसा हुआ है, इसका उल्लेख ये है कि एक वैद्य थे गांव में, क्योंकि वो वैद्य आयुर्वेद की कथा है तो उसमें वैद्य ये हीरो होता ही है। तो एक गांव में एक वैद्य थे और उनकी एक लड़की थी, कन्या थी, और वो अकेले वैद्य थे उस गाँव में। तो उस गांव के सारे लोग उनसे घबराते थे, क्योंकि वैद्य जी से अगर कोई दुश्मनी मोल ले ली और कल हम जाकर बीमार हो गए तो औषधि योजना कौन करेगा, मर जाओगे, तो उनसे तो मित्रता ही रखनी होगी। तो वो वैद्य जी के सारे जिसको उनके जितने भी उन पर अनाचार होते होंगे उस गांव पर, उसको वो सहन कर लेते थे, क्योंकि वैद्य जी से कभी ना कभी तो सेवा लेनी होगी और जीवन यापन के लिए लेनी होगी। उनकी एक बेटी जो थी वो गांव में हुड़दंग मचाती थी, क्योंकि उनके पिताजी वैद्य थे। तो ये जो बड़े लोगों की कन्याएं होती हैं वो, या बेटे होते हैं, वो ऐसे ही हुड़दंग मचाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा संरक्षणकर्ता जो है वो बहुत बड़ा बड़ा आदमी है शहर का, इस गांव का। तो वो लड़की गाँव के युवा लोगों को छेड़ती थी, उल्टा होता था, लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती थी, ये जरा सुनने में अटपटा लगता है मगर वो छेड़ती थी। तो एक किसान का लड़का था, अपने खेती में काम कर रहा था, उसको उसने छेड़ दिया जाकर। तो उस लड़के ने उसको हिंदी में जो कहा जाता है लाफा, नागपुरी हिंदी में झापड़ बोलते थे, तो झापड़ जड़ दी उसको एक लड़की को। तो लड़की उसको कहती है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो बोले मैं जानता हूँ। बोले फिर भी इस प्रकार की हिम्मत। तो वो जो उत्तर देता है वो मेरे मुझे कथन के पुष्ट्यर्थ है कि ये देखो कि कोई भी तत्व, वो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे गणित हो, चाहे कालगणना हो, कोई भी तत्व जो है हमारे मानस में पहुंचाने का कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सरल कर दिया। पाई की वैल्यू जैसी सरल कर दी, वैसा आयुर्वेद भी उन्होंने सरल कर दिया। वो बच्चा कहता है वो बेटी को, चार पक्ष द्वय मास थे, कालगणना में आएगा ये सब, चार पक्ष द्वय मास थे नौ नौ वत्सर माही, जा कहियो अपने बाप से मोको तिहु डरना ही, ऐसा कहा उन्होंने। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि हर महीने में चार
वार होते हैं, वार जिसकी गणना मैं बताऊंगा कैसी है हमारी काल गणना। काल गणना का सूक्ष्मतम विभाग है वो, तो सूक्ष्म कम नहीं है मगर सूक्ष्म विभाग है। तो हर किसी एक वार को, चार वार होते हैं एक महीने में, तो कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई मंगलवार, कोई शुक्रवार, जैसे जिसको भाए, वो कहता है कि मैं हर रविवार को, क्योंकि रवि से शुरू होता है हमारे वार की गणना, तो बोलता है कि मैं हर रविवार को बिना नमक के खाता हूँ। खाता हूँ मुझे भोजन पाता हूँ परंतु नमक नहीं लेता उसमें। ये चार पक्ष में ये आ गया, चार। फिर पक्ष है, पक्ष मुझे हर महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। उसमें एकादशी हो, शिवरात्रि हो, या कुछ भी हो, चतुर्थी हो, अनेक अनेक प्रकार के व्रत हैं। हमारा तो प्रत्येक दिवस एक व्रत है। तो मैं महीने में ये जो दो व्रत है इसमें अनशन करता हूँ, मुझे निराहार रहता हूँ। देखिए पक्ष की व्रतों की जो रचना है उसमें वो निराहार रहने की बात कही गई है, कहीं कहीं तो निर्जल, मुझे जल भी नहीं लेना, ऐसी बात कही गई है। तो उसने कहा कि ये पक्ष दो हैं, इसमें मैं निराहार रहता हूँ। उसके बाद में आया नौ नौ वत्सर माही, मंजे चैत्र अभी जो आने वाला है इसमें नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी नवरात्रि अश्विन में होती है जो दुर्गा जी के नाम से जानी जाती है। ये दो नवरात्रि, नौ नौ वत्सर, वत्सर में ये जो नौ नौ दिन का व्रत होता है उसमें, उन व्रतों उन दिनों में मैं फलाहार करता हूँ, केवल फलाहार और कुछ नहीं, अन्न का ग्रहण नहीं करता। और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे तेरे बाप से क्यों डरना, मैं दीवाना हूँ। ऐसा वो कहता है कि जा कहियो अपने बाप से, मोको तिहुं डर नाही। तो आयुर्वेद में भी वो आ गया। तो जो वैज्ञानिकता की बात नववर्ष स्वागत समिति ने कही है उसमें कुछ बातें मैं बताऊंगा। स्लाइड्स तो आप तीव्र मुझे आशु गति से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल गणित है, परंतु आपके लिए लाया हूँ मैं। ये जो नवरात्रि है हमारी, हमारे काल गणना में इन दो नवरात्रियों का बड़ा महत्व कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है? केवल उपवास करना है, फलाहार करना है? देखिए आप नवरात्रि जो जो लोग मनाते होंगे वो जानते होंगे कि उनके घर में ये नवरात्रि के बारे में जो नियम बताए जाते हैं सारे भारतवर्ष में, वो कुछ नियम जो हैं उसको आप जरा, जिसको बोलते हैं बारीकी से परखें। एक नियम, पहला नियम यह है, नवरात्रि में अपने गांव में रहो। मुझे चाहे तुम्हारा जन्म ग्राम के बाद में तुम कहीं अपने व्यवसाय उद्योग के लिए दूसरे गांव में जाते होंगे, तो नवरात्रि में अपने गांव में आओ, अपने घर में आओ, जहां तुम्हारी कुल देवता बसती है वहां आओ। ये पहला नियम है। तो कई लोग नवरात्रि में अपने अपने घरों में जाकर उसका जो संपन्न करते हैं वो नवरात्रि, ये पहला नियम। दूसरा नियम है, आप चप्पल न पहनो, मुझे किसी भी प्रकार का ये जिसको आप पाद रक्षा जिसको संस्कृत में कहा जाता है उसका उपयोग न करो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसका मतलब यह कि आप पाद रक्षा का उपयोग करोगे तो अपने घर से दूर जाओगे रोज घूमने के लिए। तो घर में रहो मुझे घर में ही रहो, एक ही बिंदु पर रहो, आसपास रहो 50 फीट इधर उधर, परंतु उससे ज्यादा नहीं। पादरक्षा होगी तो तुम 200 फुट दूर चले जाओगे, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, भूमि शयन करो नवरात्रि का। तो भूमि शयन करने का मतलब बहुत ज्यादा ऐशो आराम में ना रहो, अलर्ट रहो, जागृत रहो, इसके लिए वो भूमि शयन बताया गया, क्योंकि आरामदेह है अगर बिस्तर होगा आपका तो आप फिर ज्यादा शयन करेंगे। ये सब क्यों कहा गया, ये इसको क्यों धार्मिकता का रूप दिया गया? इसलिए दिया गया कि इसका पालन होगा। जब हमको किसी चीज का भय होता है तब हम उसका पालन करते हैं। तो ये भय बताया गया कि कोई ग्रह नाराज हो जाएगा, शनि जी तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे, बात आदि आदि बातें, साढ़े साथी आदि का जो उल्लेख आता है, ये खैर अलग चर्चा का विषय है। ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी मैं भी हूँ परंतु इन बातों में विश्वास नहीं है। वो सारे विश्व के लिए शनि उस विशेष राशि में है तो वो सारे विश्व का कल्याण कर थोड़ी कर रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति का कल्याण क्यों हो रहा है? तो ये बातें चर्चा की है, बाद में हो सकती है इस पर। उसकी वैज्ञानिकता देखो, मुझे मेरा कहना जो है कि वैज्ञानिकता देखो, ये भारत अपना देश, अपने देश में इस
इसकी रचना हुई है इन ग्रंथों की या इन संदर्भ ग्रंथों की, तो अपने देश का ही विचार, मैं जो कहता हूँ भारतीय मानस, भारतीय चित्त और भारतीय काव्य, ये हमेशा हमारे मन में होता है, तो उसको देखकर इसकी रचना हुई है। ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश को अगर विकास करना है तो उसकी संपन्न कृषि होनी चाहिए। अगर संपन्न कृषि होनी है तो फिर कृषि के जितने भी साधन हैं या कृषि के लिए जितने भी उपयोगी वातावरण है, उस वातावरण को पहले से जान लेना आवश्यक है, ताकि वो किसान उस प्रकार की खेती बाड़ी कर सके। इसलिए कहा गया है ये नव वत्सर जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में जो बाकी के विधान कहे गए हैं उस विधान में ये है कि सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन करो, यह है नवरात्रि में। क्यों करो? तो भाई प्रणाम करो भगवान सूर्य को, इतना ही अर्थ है हमारे मन में। सूर्य के अगल बगल में जो रंग है उसको नोट डाउन करो, वो चाहे फीका गुलाबी है, पीला है या धूसर है, जिस प्रकार का भी होगा वो रंग जो है उसको आप लिख कर रखो। उसके लिए आपको आपके गांव में कहने के लिए, रहने के लिए कहा गया है कि हर कोई हर प्रदेश में इसकी ये इसका नोटिंग जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग वो करें, तो वो उसका रंग देखो, हवा की दिशा देखो, दिक साधन जो आया है हमारे कालगणना में, हवा की दिशा को देखो और इन सारी बातों को इकट्ठा करो। और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने जो बाकी का विधान आप हम सब तक नहीं पहुंचा है, वो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ कि इसके बारे में वर्णन है हमारे ग्रंथों में, हमारे वर्षा ऋतु के बारे में, उस पर मैंने एक प्रबंध भी लिखा है, रेनफॉल पीरियडिसिटीज इन वैनगंगा बेसिन ऐसा उसका नाम है, मास्को में पढ़ा गया है वो। तो उस वातावरण को अगर आपने ठीक से लिखा, आपने कुछ गलतियाँ की होगी, तो गाँव के अन्य लोग जो है नवरात्रि मनाते वो इकट्ठा बैठे और उन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशन जो हैं उसको करेक्ट करें, किसी ने गलत लिख दिया होगा तो उसको करेक्शन भी होता हो जाएगा। उस गांव के लिए वो मेघ गर्भ धारणा है, ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी जिसको राम जन्म कहा जाता है, ये नौ दिन जो हैं वो मेघ गर्भ धारणा के हैं। देखिए भारत ही केवल ऐसा देश है जहाँ पर मेघों के मतलब बरसात जो है, वृष्टि जो है, इस वृष्टि को हमारे जीवन से जोड़ दिया है। जैसे हमारे यहाँ हमारे जीवन में गर्भधारणा होती है, वैसी ये मेघ गर्भधारणा इन नौ दिनों में होती है। और वो गर्भधारणा कैसी हुई है, किस प्रकार है, विकृत है या प्राकृत है, इसके लिए ये संदर्भ है कि सूर्य के अगल बगल में क्या रंग है, हवा की दिशा क्या है, वो लिख के रखिए आप, तो आपको पता चल जाता है। उसके सारे लक्षण हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, ये मेघ गर्भधारणा है। और बाद में जो दूसरा नवरात्र है वो उसके ऑब्जर्वेशन को आपने सटीक, क्योंकि श्रावण के बाद में जो चार तीन महीने हैं इससे उसमें 120 दिन का अंतर आता है चैत्र शुक्ल नवमी के बाद, तो 120 दिन के बाद जो होता है वो मेघ प्रसूति होती है जिसको हम वर्षा काल कहते हैं, जो इसमें अयन और काल की रचना जो कालगणना में आई है, तो वो मेघ प्रसूति है। और बीच में एक और संदर्भ है इसमें, अगर इन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक यदि जिसको अकाल वर्षा बोलती है, जैसे पिछले साल हुई थी प्रथमा द्वितीय और तृतीया को घोर वृष्टि हुई थी नागपुर में, और उसका संकेत मैंने मेरे मित्रों को दिया था कि आने वाला साल जो है वो अकाल का साल है, और अब हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कुछ प्रदेश जो है महाराष्ट्र के वो अकालग्रस्त हैं, तो इसकी भविष्यवाणी केवल इन नवमी नौ दिनों के व्रताचरण से हो सकती है। उसके बाद में जो हमने अनुभव किया उस अनुभव को फिर से ठीक बैठा है कि नहीं, ये अनुभव इस देखने इसको देखने के लिए अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जिसको बाद में दशहरा हम कहते हैं, तब तक ये ऑब्जर्वेशन इसी प्रकार के फिर से किए जाते हैं, उसका इससे तालमेल बैठाया जाता है और इस प्रकार की ये गणना काल गणना इस देश के कृषि के लिए इतनी आवश्यक थी। विगत 15 साल पहले या 10 साल पहले, 10 साल पहले होगा, 2008 की बात है, 6 साल पहले पूना से कुछ लोग आए थे जो डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या मेट्रियोलॉजी, बहुत बड़ा सम्मेलन नागपुर में हुआ था और उनके सामने ये नवरात्रि के बारे में जब कहा गया
तो उन्होंने 3 वर्ष तक एक कैलेंडर की रचना की थी, व्यवस्था की थी उन्होंने कि वो सूर्य के अगल बगल में क्या रंग है वगैरह वगैरह, उसके उन्होंने अपने केंद्र बनाए थे और उसके बाद में ग्रंथों के आधार पर जो भविष्यवाणी उन्होंने उन उस साल की थी, इंक्लूडिंग मेघ गर्भपात, एबॉर्शन ऑफ रेन जिसको बोलते हैं,